हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। स्क्वायर इन स्क्वायर, वर्ग के अंदर वर्ग। कई बार हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कोई वर्ग दिया है उसके अंदर कितने वर्ग हैं, तो हम क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं 1 2 3 ऐसे करके काउंट करना शुरू कर देते हैं। बट हमें यह देखना है कि क्या वो ट्रिक है जिससे हम देखते ही वो क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। मैं आज आपको ऐसे ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप जस्ट क्वेश्चन को देखोगे और आपको साथ के साथ पता चल जाएगा इसके अंदर कितने हैं। और स्पेशली जब आपको नीचे ऑप्शंस गिवन होती हैं तो ऑप्शंस से आपको और ईजी हो जाता है और विद इन 2 सेकेंड्स आप आंसर दे देंगे। फ्रेंड्स, आपके पास होते भी वहाँ पर 2 सेकेंड्स ही हैं, इससे ज़्यादा टाइम आपके पास वहाँ पर नहीं होता है। आपके एग्जाम में आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है, उसमें आपको उसको सॉल्व करना होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप विद इन सेकेंड्स उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। मेरे पास सबसे पहले ये फिगर है, इसको मैं फर्स्ट फिगर दे देती हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट फिगर है, इसमें मैंने देखना है कि ये पूछा हुआ है कि इसमें स्क्वायर्स कितनी है, ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स मुझे काउंट करने हैं। देखिए, आप कहेंगे मैम ये तो बहुत ईजी है, एक स्क्वायर ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है और ये एक बड़े वाला स्क्वायर है। तो हम देख ले तो 1 2 3 4 ये एक बड़े वाला 5 स्क्वायर्स हैं। आप बोलेंगे कि ये 5 स्क्वायर्स हैं। बट फ्रेंड्स, ये तो बहुत इजी हो गया कि अगर ऐसी फिगर आपको आती है तो क्या एग्ज़ाम में जस्ट ऐसी फिगर पूछ ली जाती है? कई बार पूछ भी ली जाती है और कई बार नहीं भी पूछी जाती है। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आते हैं कुछ इस टाइप से, कुछ बड़ी फिगर्स गिवन होती हैं, तो क्या आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से इसको काउंट करेंगे? फिर उसके बाद ये स्क्वायर्स बनने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद ये स्क्वायर्स बनने शुरू हो जाएंगे, फिर ये भी स्क्वायर बनने शुरू हो जाएंगे। तो क्या ये ईजी है आपके लिए इस टाइप से इसको काउंट करना? देखिए कैसे, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जैसे इस टाइप से आप अगर इसको काउंट करेंगे तो या तो फिर क्वेश्चन ये आपका एग्ज़ाम में छूट जाएगा या फिर क्या होगा कि आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। अगर मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूं कि आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम बच जाए, मीन्स विद इन सेकेंड्स अगर आप ये क्वेश्चन कर पाएँ, तो कैसे लगेगा फ्रेंड्स? चलिए हम देखते हैं इसको करना क्या है। आपने एग्जैक्टली क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर है इसको काउंटिंग लिख लीजिए 1 2 3 4 5। इस टाइप से भी इसको आपने रो वाइज काउंटिंग लिख ली, रो वाइज इस टाइप से आपने काउंटिंग लिख ली, देन आप कॉलम वाइज भी इसकी ऐसे ही काउंटिंग लिख लीजिए 2 3 4 5। चलिए, इस टाइप से आपने लिख लिया। अब आपने करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है। हमने इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। देखिए फ्रेंड्स, एक बार आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा सा लेंथी लगेगा, बिकॉज आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आपने एक बार समझ लिया और इसके साथ के बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व करके देख लिए, मीन्स अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, तो प्रैक्टिस के बाद ये आपको कभी नहीं भूलेगा। आप बहुत ईजिली जो भी क्वेश्चन आएगा विद इन सेकेंड्स आप उसका आंसर क्वेश्चन पेपर में देखते ही उसका आंसर बता देंगे। चलिए, हमने इसमें करना क्या है, 5 × 5 मैंने आपको बताया कि इसको आपने इसके साथ ज्वाइन कर दिया तो मीन्स 5 × 5 हो गया। देन इसको आपने इसके साथ ज्वाइन किया 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1। चलिए, 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1। ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 4, ये हो गया 1। अब हमें करना क्या है, इन सब का टोटल, इन सबको ऐड कर दीजिए। इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हम इसको ऐड करते हैं 25, 16, 9, 4, 1। ये हमारे पास हो गया 25 और 16, ये हमारे पास हो गया 55। इनको हमने ऐड कर लिया, ये मेरे पास आ गया 55। देखिए, अब आप देखिए कि आपको इसमें से 55 स्क्वायर्स ढूंढने इजी हैं या इस टाइप से जैसे आपने किया वैसे स्क्वायर्स ढूंढने इजी हैं। देखिए, इसमें आपने देखा था कि ये स्क्वायर बना, ये स्क्वायर बना, ये स्क्वायर बना, ये स्क्वायर बना, आपने बहुत इजीली बता दिया कि ये 5 स्क्वायर्स हैं टोटल। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने फॉर्मूला कर लिया कि इस टाइप से आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके, जस्ट आपको बहुत ईजी सा मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं कि क्या इस पर ये अप्लाई हो रहा है अगर इस टाइप के आते हैं तो 1 2, इसमें 2। चलिए क्या देखते हैं, इसमें है, इसमें क्या करना होता है इसको, देन ये जो है ये कॉमन है दोनों में, इसलिए हम 1 × 1 लिख लेते हैं। 2 × 2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 2 × 2 = 4। देन आपके पास आ गया 1 × 1 = 1, इनको ऐड किया 5। चलिए देखिए,
ये फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाया है अभी, ये इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। मीन्स अगर आपको बहुत बड़ा कुछ भी लेंथी, अगर इससे भी बड़ा मीन्स यहाँ से 6, 7, 8, 9 का भी कुछ क्वेश्चन आ जाए, तब भी आप बहुत ही इजीली विद इन सेकेंड्स जो है आप आंसर दे पाएंगे। आपको जस्ट करना क्या है, इसको ध्यान से देखना है। देखिए मैं दोबारा बताती हूँ कि इसमें मैंने किया क्या है, दोबारा मैं बता रही हूँ मैंने क्या किया है। जस्ट इस साइड पे नंबर्स लिख लिए हैं जितने स्क्वेयर्स हैं मेरे पास, उसके बाद इस साइड पे भी मैंने नंबर्स लिख लिए हैं जितने स्क्वेयर्स हैं मेरे पास। उसके बाद मैंने इस टाइप से इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, और वन जो है वो कॉमन है इसलिए मैंने 1 into 1 लिख लिया, 5 into 5, 4 into 4, 3 into 3, 2 into 2, 1 into 1। देन मैंने क्या किया, ये जो सारे नंबर्स मेरे पास आए हैं उनको मैंने ऐड कर दिया। इन सबको ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, 55। मीन्स अब मेरे पास नंबर ऑफ स्क्वेयर्स कितने हैं इस फिगर में, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ स्क्वेयर्स हैं 55। देखिए आपके पास एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शंस गिवन होते हैं, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अगर आपके पास ऐसा कुछ होगा तो किसी ऑप्शन में आपके पास 55 आया होगा तो वो आपका आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, मैं आगे आपको इसी वीडियो में आपको ये भी बताने वाली हूँ कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली आता है और कौन से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, मैं वो क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ। चलिए देखिए, आप पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, सबसे पहले आप कंसेप्ट समझिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे आता है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली स्क्वायर की, और कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि स्क्वायर फिगर नहीं होती है बट हमने नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने होते हैं रेक्टेंगल के अंदर। चलिए रेक्टेंगल में भी देख लेते हैं, रेक्टेंगल को हम आयत बोल देते हैं हिंदी में, स्क्वायर्स इन रेक्टेंगल, आयत के अंदर वर्ग, रेक्टेंगल को हम आयत बोल देते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, स्क्वायर्स के अंदर वर्ग, स्क्वायर को क्या बोल देते हैं वर्ग, स्क्वायर इन रेक्टेंगल, आयत के अंदर वर्ग, देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे ये हमें रेक्टेंगल दी हुई है तो उसके बाद इसको भी हमने एग्जैक्टली वैसे ही करना है। चलिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे नंबर लिख रहे थे, हम नंबर लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब आप बोलेंगे कि अब यहाँ पे भी ऐसे ही 1 और 2। अब आप बोलेंगे कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, अब हमारे पास इसको इसके साथ किसको किसके साथ ज्वाइन करें आपको समझ नहीं आएगी। देखिए ये जो है लास्ट वाला, यहाँ पे इसको लास्ट वाले के साथ ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, देन ये जो है फर्स्ट वाला इसको इसके पहले वाले के साथ इसके साथ इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से, इसको इसके साथ देख लीजिए, इसको इसके साथ देख लीजिए। ठीक है, आपने बैक जाना है, जैसे आप यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे बैक जा रहे थे, यहाँ पे लास्ट वाला था, हमने इसको लास्ट वाले के साथ कर दिया, इसके ऊपर हम जा रहे थे, फिर हम इसके ऊपर जा रहे थे, फिर हम इसके ऊपर जा रहे थे, फिर हम इससे लेफ्ट ले रहे थे, फिर हम इससे ऊपर जा रहे थे, फिर हम इससे लेफ्ट ले रहे थे, ऐसे चल रहा था हमारा। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है, हमने सबसे लास्ट वाला लेना है, उसको लास्ट वाले के साथ कर लेना है। हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से हम लेफ्ट जा रहे हैं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, करना क्या है, इसको इसके साथ, देन इससे ऊपर जाना है तो उसको इसके साथ। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, 11 into 2, ये मेरे पास आ गया 22, और देन आ गया 10 into 1, ये आ गया 10, और ये मेरे पास टोटल कितने बन गए 32। मीन्स अगर मुझे नंबर ऑफ स्क्वेयर्स काउंट करने हैं तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया। अगर मैं इस टाइप से काउंट करने बैठूं 32 तो मेरे लिए कितना टाइम टेकिंग हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि मेरे बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो छूट जाएंगे और मैं यही क्वेश्चन करती रह जाऊंगी। अगर मैंने आपको इस तरीके से बता दिया, इस वे से आपने काउंट किया, तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये चीज़ समझानी है अच्छी तरह से, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा कि मैं आपको हर चीज़ बताऊं इम्पोर्टेंटली काउंट करके। एग्ज़ाम में क्या होता है, आपके पास ये स्क्वायर आया या ये रेक्टेंगल आया तो आपने नंबर भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार आप ऐसे काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसको ये 2 है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, विद इन सेकेंड्स आप आंसर, आपके पास ऑप्शन होती हैं, फटाफट टिक कर देंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज आप अभी समझ रहे हैं, आपको करने में भी टाइम लगेगा बिकॉज आप अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बट जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आपको सिर्फ देखते ही इन 1 सेकेंड आपको आंसर आपके माइंड में उसी टाइम आ जाएगा। आप जस्ट इसको देख के मत छोड़िए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस निकालिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी कोशिश करूँगी कि आपके लिए बहुत सारी और वीडियोज़ जो हैं इस टाइप की लेके आऊँ, ताकि आप प्रैक्टिस के लिए आपको स्पेस मिल जाए, आप प्रैक्टिस कर सकें कि उस टाइप के क्वेश्चंस की, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एग्जैक्टली एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये वाली वीडियो में भी आपको अभी बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आया कैसे हुआ है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। अब यह तो रेक्टेंगल हो गई इस टाइप की,
अब ये इजी है। अब अगर ये आप काउंट कर लेंगे, कई बार आपको आप सोचेंगे कि मैम इसमें 11 हो गए, इसमें भी 11 हो गए, देन मैं इसको काउंट कर लूँगा, ये 11 काउंट कर लूँगा, ये 11 काउंट कर लूँगा, फिर ये काउंट कर लूँगा, मीन्स देखिए ये 32 है, 32 आपको काउंट करने में कितना टाइम लगेगा और ये आपको काउंट करने में कितना टाइम लगा, ये फ्रेंड्स आप देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट, अगर आपको इस टाइप से आ जाए, इतना बड़ा कोई डायग्राम आ जाए, तो इतनी बड़ी फिगर में आप कैसे काउंट आउट करेंगे? इतनी बड़ी फिगर में भी अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या आपका इजी हो जाएगा? नहीं, वो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप इतनी बड़ी फिगर्स में, बिकॉज ये सिर्फ नहीं है, इसको काउंट करना तो बहुत ईजी है, 1 2 3 4 5 6, इसको बहुत ईजिली आप विद इन सेकेंड्स काउंट कर लेंगे, बट जो इस टाइप्स के हैं, इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर ये भी स्क्वायर है, इसके अंदर ये भी एक स्क्वायर है, अब इसको छोड़ दो तो इसके अंदर ये भी एक स्क्वायर है, इसके अंदर ये भी एक स्क्वायर है, क्या आपको इतना इजी है कि आप इस टाइप के स्क्वायर जो है इनको काउंट कर लें? बट अगर मैं आपको बताऊं कि इसको भी हमने वैसे ही करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे ही 2 3 4 5, हमने जाना कैसे होता है, हमें जस्ट इतना देखना है कि हमें एग्जैक्टली ये चीज़ कैसे लेनी है। ये चीज़ अगर हमें पता चल गई कि इसको इसके किसके साथ मैच करना है, इसको किसके साथ, इसको किसके साथ, इसको किसके साथ, तो समझिए आपका ये कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि आपको एग्जैक्टली किसको किसके साथ ज्वाइन करना है, तो समझो आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बोला था लास्ट वाला यहाँ पे और यहाँ पे भी लास्ट वाला, इसको आपने ज्वाइन करना है, देन यहाँ से आपने लेफ्ट चलते जाना है, यहाँ से आपने ऊपर जाना है, यहाँ से फिर लेफ्ट आना है, यहाँ से फिर ऊपर जाना है, फिर यहाँ से लेफ्ट आना है, यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ से लेफ्ट आना है, यहाँ से ऊपर जाना है, इस तरीके से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। चलिए देख लेते हैं, 5 को फिर किसके साथ करेंगे, 9 के साथ, 4 को किसके साथ करेंगे, 8 के साथ, 3 को आप करेंगे 7 के साथ, 2 को आप करेंगे 6 के साथ, देन 1 जो है वो आपका 5 के पास चला जाएगा। चलिए हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 × 9, देन 4 × 8, देन 3 × 7, देन 2 × 6, देन आपके पास क्या आ गया, 1 × 5। चलिए ये क्या आ गया हमारे पास, 45, 32, 21, 6 × 2 = 12 एंड 5 × 1 = 5। देन हमें इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद ये सारे नंबर्स को हमने ऐड करना होता है, ये बहुत इजी होता है फ्रेंड्स, आप देखते जाइए। अब हमने इनको ऐड करना है, 45 32, ये 5 × 5 = 2, ये हमारे पास आ गया 5 और ये हमारे पास आ गया 11, 115, ये हमारा आ गया 115। मीन्स अगर हमने ये इतनी बड़ी डायग्राम हमें गिवन है, इतनी बड़ी फिगर हमें गिवन है, इस सारी फिगर में से हम देखें तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे पास कितने आ गए, 115। देखिए फ्रेंड्स अगर आप 115 काउंट करते हैं तो आपके पास कितनी सारे स्क्वायर्स हैं, आपको काउंट करना बहुत मुश्किल है, ये जो फॉर्मूला है आपको विद इन सेकेंड्स आपको आंसर आपके सामने आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए हम इसमें लिख देते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 115। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपके लिए कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर मेरा समझाया वो आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी ऐसी वीडियोज़ को, बहुत सारी वीडियोज़ को देखने के लिए। चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में एग्जैक्टली आया हुआ है, कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ है वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए आपके हमारे सामने ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2016 में भी पूछा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आया हुआ है, वो भी आपने इस तरीके से ही इसको सॉल्व करना है, मैं बताती हूँ कैसे। चलिए ये हमारे पास फिगर थी, हमें पूछा गया द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन फिगर इज़, ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से हमने देखना है कि कौन सी ऑप्शन स्क्वायर में सेट बैठती है। देखिए बहुत ही ईजी इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, आपने इससे भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर ये बन रहा है हमारे पास, तो हमने ये किया था अभी ऊपर, एक स्क्वायर ये बन रहा है और हमारे पास ये स्क्वायर में हम देख लेते हैं, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे आपको काउंट करना है और फिर देन आप किसको काउंट करेंगे। अगर अब मैं आपको कहूँ कि आपने विद इन सेकेंड्स इसका आंसर बता भी दिया, और फ्रेंड्स अगर आपने मेरी वीडियो शुरू से ध्यान में देखी है तो आपके पास अभी भी इस क्वेश्चन का आंसर है, अभी भी आपके माइंड में चल रहा है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए मैं आपको बताती हूँ आपने काउंट कैसे करना है। देखिए हम कैसे लिखते होते हैं, इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं, देन यहाँ पर नीचे
टू लिख लेते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास टू को हमने टू से मल्टीप्लाई करना है और देन वन को वन से, इस तरह से चलते हैं हम। चलिए टू को टू से मल्टीप्लाई कर लिया और वन को वन से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारे पास आ गया फोर और ये वन। देन हमने इसको क्या करना होता है, हमने इसको ऐड करना होता है, मीन्स ये हमारे पास फाइव आ गया। बट हमारे पास एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर इसके अंदर भी है, एक स्क्वायर जो ये है इसके अंदर भी स्क्वायर्स बन रहे हैं, इसको भी हमने ऐसे ही काउंट करना है। जैसे हमने इसको लिख लिया वैसे ही इसकी काउंटिंग भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे ये वन हो गया, ये टू हो गया, इसके अंदर ये टू हो गया। अब अगर हमने इनको काउंट करना है तो इनको काउंट करने के लिए हमने इसको इसके साथ कर लिया, देन इसको वन इंटू वन लिख लिया। ठीक है, चलिए कैसे। टू इंटू टू ये अंदर वाले स्क्वायर के लिए हमारी बात हो गई, ये फोर हो गया, वन इंटू वन ये हो गया वन। तो ये अंदर वाले स्क्वायर के लिए मैं आपको अलग से बता रही हूँ, ये भी फाइव हो गए। मीन्स हमारे पास कुछ स्क्वायर्स इसमें थे वो भी फाइव थे, देन इसमें भी कुछ स्क्वायर बन रहे थे ये भी हमारे फाइव हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए, फाइव स्क्वायर्स ये, फाइव ये, टोटल नंबर स्क्वायर्स हो गए हमारे पास टेन। टोटल स्क्वायर्स कितने बन गए, टोटल स्क्वायर बन गए टेन। चलिए देखिए ये जो टेन आया है हमारे पास, ये हमारे किसी ऑप्शन में है। ऑप्शन वन है हमारे पास एट, ऑप्शन टू है 14, देखिए ऑप्शन नंबर थ्री 10, ऑप्शन नंबर थ्री है हमारे पास 10, मीन्स जो हमारा राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर थ्री, ये हमारा राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है। देखिए मैंने आपको समझाया है, आपको ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए इतना सब मैंने किया है, तो आप इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है। आप कहेंगे कि मैम आप बोलते हैं कि विद इन सेकेंड्स आप बता देंगे, बट ये विद इन सेकेंड्स आंसर कैसे आया। देखिए जब आपने डायग्राम देखी अपने साथ के साथ, वन टू टू ये सारा कुछ आपको आएगा प्रैक्टिस के साथ, फर्स्ट टाइम आपको नहीं आएगा। मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि आप स्टार्टिंग में देखेंगे, आपको समझना है पहले इसको अच्छी तरह से, तो उसी टाइम आप नहीं कर पाएंगे। बट जब आप इसकी बहुत सारे क्वेश्चंस की इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपने देखते ही बता देना है कि ये। बट मैंने आपको जो समझाना था मेनली वो बात थी ट्रिक की, मैंने आपको ट्रिक बताई है, इस तरीके से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको स्क्वायर्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको इस तरीके से करना है और आपके स्क्वायर्स काउंटिंग आपके सामने आ जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझाया हुआ इजीली समझ आ गया है, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो उसके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।